हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 स्टैटिक सब्जेक्ट की पेपर पैटर्न और साथ में थियरी। और इससे पहले बताना चाहता हूँ, स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर जितने प्रैक्टिकल सम का इम्पोर्टेंस है उतना ही थियरी का इम्पोर्टेंस है, तो थियरी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। जितनी थियरी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वही थियरी आपके एग्जाम में आने वाली है, तो सभी को थियरी 100% याद करनी, राइट ना। देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी थियरी हमें रेडी करना चाहिए। नंबर 1 पैरामीटर एंड स्टैटिक्स, नंबर 2 एस्टिमेटर, नंबर 3 टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, प्रथम प्रकार नहीं भूल अने बीजा प्रकार नहीं भूल, ये आपकी थियरी एग्जाम में मोस्ट टाइम पे है, इसे तो आपको डैम श्योर के साथ याद ही करना है। नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड पावर ऑफ टेस्ट, और इसके अलावा आपको याद करना है नल हाइपोथेसिस, जिसे हम गुजराती में कहेंगे निराकरणीय परिकल्पना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। अगर आपने ये थियरी रेडी कर दी तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर हो ही जाएगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के पास। चैप्टर नंबर 2 में से हमें कौन कौन सी थियरी रेडी करना चाहिए, डिसीजन थियरी, इसमें से आपको रेडी करना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन थियरी, दैट मींस इनके घटक। और उसके बाद यहाँ पर दिया डिसीजन अंडर के अंदर 4 पॉइंट दिए गए। एक्चुअली में जो हम सम लगाते थे मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम हार्विच प्रिंसिपल एंड लैपलेस प्रिंसिपल, यही थियरी है और यही सम है। सम को आप किस तरीके से सॉल्व करते थे वही पैटर्न आपको थियरी में राइट करना है, तो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार अच्छी तरीके से देखने की जरूरत है। बिकॉज आप एक बार थियरी रीड कर लेंगे डैम श्योर गारंटी के साथ कहता हूं एग्जाम में 100% आप अच्छी तरीके से थियरी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको रेडी करना है ईएमबी, तो चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 2 में से आपको इतनी थियरी रेडी करना चाहिए। चलते हैं यूनिट नंबर 3 के पास। यूनिट नंबर 3 में से आपको ये थियरी रेडी करना चाहिए गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट, दैट मींस डोमेनरी प्रॉपर्टी, जिसे गुजराती में कहेंगे सरसाइनो सिद्धांत एंड एल्जेब्रिक मेथड, यानी कि बीज गणित द मोस्ट आईएमपी थियरी। दोनों थियरी आपको 100% अच्छे तरीके से याद करना है। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ कि प्लेयर्स किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी थियरी को रीड कर लेना है। और लास्ट 2019 के पेपर में ये थियरी भी आ चुकी है एजम्पशन ऑफ गेम, इसे भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। तो आई होप आप समझ गए हमें यूनिट नंबर 3 में से कौन कौन सी थियरी रेडी करना चाहिए। चलते हैं यूनिट नंबर 4 के पास, मैट्रिक्स। इसके अंदर आपको याद करना है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिए गए होंगे, आपको सभी टाइप्स याद करना कोई टफ नहीं। एक्चुअली में जो आपने सम लगाए थे उसी को आपको थियरी में कन्वर्ट करना है, राइट ना। तो एक बार मैं आपको थियरी समझा देता हूँ हमें कैसे याद करना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 लिखा है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स को हम याद कैसे करेंगे वो आपको समझा रहा हूँ, जिसे हम गुजराती में कहेंगे पंक्ति श्रेणी, राइट। In matrix in which there is only one row and any number of column is said to be a row matrix, यानी कि row matrix किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक row हो, only एक पंक्ति हो और एक से ज़्यादा क्या हो column हो, उसे हम कहेंगे row matrix यानी कि पंक्ति श्रेणी। example के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक row है only for one row है और column कितने 1, 2 and 3, एक row है और 3 column, इसे हम बोलेंगे row matrix। और यहाँ पर भी देखो share करके लिखा होगा यस सर 1, 2, 3, यानी कि एक row है column कितने 1, 2 and 3, 1/3 की साइज होगी। सेम कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा ओनली 1 कॉलम होगा और एक से ज्यादा क्या होंगी रो होंगी, देखो कॉलम कितना है 1, रो कितनी 1, 2 and 3, तो यहां पर देखो 4 भी है, तो यहां पे साइज लिखा 4/1। आई होप आप समझ गए होंगे। जीरो मैट्रिक्स का फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे, दैट मींस थियरी कैसे याद करेंगे, इसमें सभी के सभी लिखा होगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे जीरो होंगे, उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, अदरवाइज नल मैट्रिक्स में कहेंगे शून्य श्रेणी। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से एक थियरी रेडी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थियरी है, वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स व्यस्त श्रेणी, ये भी थियरी आपको अच्छी तरीके से रेडी करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंस भी याद करना है। डिफरेंस कहां पे आप बुक में देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ यस ये रहा यहाँ पर डिफरेंस, 100% एग्जाम में आने के चांस है, इस डिफरेंस को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है, राइट। और इस तरीके से आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 की थियरी जान ली, अगर आपने 3 थियरी रेडी कर ली 100% एग्जाम में आपके मैक्सिमम स्कोर आएगा, मतलब आएगा। और ये आपका सेम 6 है, और सेम 6 की इंपॉर्टेंस क्या है मुझे नहीं बताना पड़ेगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल, राइट ना। अब चलते यहां पर पेपर पैटर्न के पास में कि पेपर किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, राइट ना। तो सबसे पहले यहां पर 4
क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने यहां पे लिख के रखे। क्वेश्चन नंबर 1A, उसके अंदर दो क्वेश्चन होंगे, एक होगा 1 नंबर का, एक होगा 2 नंबर का, जिसमें 7 मार्क्स की थ्योरी होगी और 7 मार्क्स का सम होगा, और उसके और में भी 7 मार्क्स की थ्योरी होगी, 7 मार्क्स का सम होगा। दैट मींस थ्योरी से छूटना तो नहीं है, थ्योरी तो आपको याद करनी पड़ेगी, टफ नहीं है, अगर आप एक बार अच्छी तरीके से देख लेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 कितना हो गया, 14 मार्क्स, जो कि यूनिट नंबर 2 में से आने वाला, राइट ना। और क्वेश्चन नंबर 1 भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, तो 7 प्लस 7 14 प्लस 4 यानी कि यूनिट नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका 18 मार्क्स का, कहां से मिलेगा, यूनिट नंबर 2 के अंदर से। और क्वेश्चन नंबर 1 की भी जो शॉर्ट सम है, मैंने ऑलरेडी सभी के सभी चैप्टर के शॉर्ट सम को सॉल्व कराया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा, वहां पे लिखा होगा शॉर्ट सम, अगर आपने वो शॉर्ट सम सभी के सभी सीख लिए, इस चैप्टर में से आपके 4 मार्क्स भी डन है विद थ्योरी के साथ, ये होगा यूनिट नंबर 2 से 18 मार्क्स का। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो यूनिट नंबर 1 से आने वाला है, कितने मार्क्स का, 7 7 14 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, 7 मार्क्स की थियरी, 7 मार्क्स का सम, थियरी से छुटकारा नहीं है, यूनिट नंबर 1 से आ जाएंगे आपके 18 मार्क्स, यानी कि ये 18 प्लस 18 हो चुका 36। क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर की जगह पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पे आपको देखने को मिलेगा कितने कितने मार्क्स का, वो भी एक बार बता देता हूँ, 17 17 मार्क्स का। आई होप आप समझ गएंगे कि किस तरीके से पेपर आने वाला है। अगर आप लेक्चर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज इट इज एग्जाम टाइम, आप जितना शेयरिंग करेंगे सभी तक ये प्रॉफिट पहुंचना चाहिए और एग्जाम में सभी का मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ शेयर इज केयरिंग। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक सेट कर दिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते, क्वेश्चन से पूछना चाहते हैं, वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।